Good morning, class 4th. Today we are going to learn about your English grammar subject and chapter is 2 and topic is sentence. Its kinds. Sentence. What is sentence? Sentence kya hai? Sentence means a group of words are make of mane full make a sense. एक शब्दों का संभार है जो एक मीनिंग मतलब एक शब्दार्थ उसको बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस. तो सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, सेंटेंस में हम जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है. तो सेंटेंस स्टार्ट अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप. जब वो सेंटेंस हम वाक्य जब हम ख़त्म करते हैं फिनिश करते हैं तो पीछे सेंटेंस के पीछे क्या लगता है? फुल स्टॉप. मतलब आपने वो वाक्य या सेंटेंस वहाँ पर फिनिश हो गया. तो फुल स्टॉप का मीन्स है, फुल स्टॉप की मीन्स है जी वहाँ पर सेंटेंस फिनिश हो गया. ओके, नाउ कभी कभी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क भी होता है, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है ना. तो क्वेश्चन मार्क कब होता है? जब हम सेंटेंस के ज़रिए किसी को कोई चीज़ पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एड्रेस, ये सब जब हम किसी से पूछते हैं कुछ चीज़ तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगते हैं. और जब एक्सक्लेमेशन मतलब आप जब किसी चीज़ को आश्चर्य हो गए, आश्चर्य मतलब जो आप एकदम सरप्राइज्ड हो गया, तो उसके पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं. ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क जब लगते तब क्या उसके पीछे क्या होता है? वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो जाता है. ओके, जैसे सेंटेंस के टाइप ऑफ सेंटेंस भी होता है. देयर आर यहाँ पे इन दिस चैप्टर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. एक होता है आपका जैसे होता है सिंपल सेंटेंस. जैसे कुछ बोल रहे हो नॉर्मली, जैसे बात कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. जब किसी से कोई चीज़ पूछते हो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. जब किसी सेंटेंस के ज़रिए आप ना बोलते हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस. और जब आप किसी को कमांड करते हो, जैसे किसी को करने के लिए निर्देश देते हो, कमांड देते हो, तो उसको हम बोलते हैं कमांडिंग सेंटेंस. ओके, तो नाउ इज़ एक्सप्लेन. ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस है तो इसको हम बोल सकते सिंपल सेंटेंस. वेयर डू यू लिव, ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है तो ये है आपका क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब आप एकदम आश्चर्य हो गए, एकदम सरप्राइज हो गए. व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ, तो ये हो जाता है एक्सक्लेमेशन. जो पीछे देखो एक्सक्लेमेशन, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, अभी सेंटेंस मींस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसी को हम जब ऑर्डरली सजाते हैं तब भी वो सेंटेंस बनता है. अभी मान लो कभी आपने वो सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिख दिया लेकिन उसका ऑर्डर सही नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा. जैसे एक होता है लाउडली रोर्स लायन द, ये कोई सेंटेंस, ये अभी भी ये सेंटेंस है लेकिन ये में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये ऑर्डरली सीक्वेंस में नहीं है तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो मीन्स है ना ये मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस तैयार नहीं कर रहा है तो इसको हम नहीं कह सकते सेंटेंस. जब हम इसको बोलेंगे द लायंस रोर लाउडली तब ये सेंटेंस बन रहा है क्योंकि इसका एक सेंस बना है, इसलिए ये सेंटेंस बन चुका है. आर हु आर, मैं यहाँ पे आर हु यू, इसमें भी ये सेंटेंस नहीं बन रहा क्योंकि इसका सेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो जब एक सेंस मेक करेगा, एक सेंस आप तैयार करोगे उस सेंटेंस के जरिए तभी उसको हम बोलोगे कंप्लीट सेंटेंस. जैसे आप ये जो है इसको हम अच्छा से बोलेंगे हु आर यू तभी ये बन रहा है एक सेंटेंस. समझ में आ गया? ओके, नाउ यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको क्या है ना, इसको हैपाजर्डली लिखा हुआ है तो आपको इसको रीअरेंज करना है. रीअरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. यहाँ देखो एकदम जिगजैग वे थे हैपाजर्डली सेंटेंस को बनाया है. द प्ले इन गर्ल्स द पार्क, या क्या लगता है आपको, ये सही है? नहीं है ना, तो इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा. तो क्या लिखोगे? द गर्ल्स प्ले इन द पार्क.
ओके, तो आप लिखोगे द गर्ल्स प्ले इन द पार्क। तो ये सेंटेंस के अंदर एक सेंस हो रहा है, तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट हो रहा है। ऑन द टाइम अराइव ट्रेन, ये भी इनकम्प्लीट है, तो आप इसको रीअरेंज करोगे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, अभी एक सेंस मेक हो रहा है, तो आप इसको कंप्लीट सेंटेंस कह सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट अ राइडिंग राज हॉर्स इज, ये भी कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस है तो लेकिन इसका सेंस नहीं है, तो मतलब इसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते। तो आप जब इसको करोगे राज इज राइडिंग अ हॉर्स, तब इसका सेंस आ रहा है, एक सेंस बन रहा है, तब ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो रहा है। इज टीचर मदर हर आ, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, हर मदर इज अ टीचर, तब ये कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, क्योंकि इसका मीनिंग हो रहा है। ओके, अभी कमेंट्स, कमेंट्स अभी मैंने बोला, कमेंट्स मतलब किसी को आप निर्देश कर रहे हो, किसी को आप कुछ बोल रहे हो करने के लिए, तो वो जो होता है कमांडिंग सेंटेंस। ओके, अच्छा अभी द सेंटेंस दैट से समथिंग आर कॉल्ड, ये हो गया आपका क्या होता है, एक जिसको हम बोला है कंप्लीट सेंटेंस, उसी को हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस का एक मीनिंग होता है कंप्लीट, उसी को हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन मार्क, अ सेंटेंस कैन आस्क अ क्वेश्चन, जब सेंटेंस में एक क्वेश्चन आप जिज्ञासा कर, क्वेश्चन आप तैयार करते हो, क्वेश्चन होता है इस सेंटेंस में, एक क्वेश्चन जब बनता है तब उसको हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे आर यू हैप्पी, ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखो डू यू हैव ए पेन, तो ये देखो आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये आपका तो फिर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं ना, द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अच्छा नाउ नाउ मैंने अभी बोला कमांडिंग सेंटेंस, जो सेंटेंस में आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, द सेंटेंस दैट गिव ऑर्डर्स, आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, ऑर्डर्स दे रहा है तो, या एडवाइस दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कमांडिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल डू योर होमवर्क, मतलब आपको करने के लिए बोल रहा है, आप अपना होमवर्क कर लो। ओबे योर पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को ओबे करो, मतलब कुछ बोल रहा है करने के लिए बोल रहा है। ओपन द विंडो प्लीज, आपको विंडो खोलने के लिए बोल रहा है, तो जब किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा है या आपको जो एडवाइस दे रहा है, तो उसको हो जाता है कमांडिंग सेंटेंस। तो ये आपका, ये हो गया आपका कमांडिंग सेंटेंस। ओके, अच्छा नाउ होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें, जिस सेंटेंस में आपका ना आता है, ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर आप ना लिखोगे उसके हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जैसे मैंने आपको, मैंने बोल रही हूँ सी इज प्लेइंग, एक सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, आप इसको नेगेटिव करना है, तो सी इज नॉट प्लेइंग, तो नॉट में से आपको ना आपको कह रहा है, मतलब सेंटेंस में ये नॉट जब लगाओगे ये सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। ओके, जैसे ही इज राइटिंग, तो आप लिखोगे ही इज नॉट राइटिंग। ओके, तो जब उसमें नॉट लगाओगे तो वो नेगेटिव में आ जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिया है, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना है ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कमांडिंग सेंटेंस है या आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन बाय इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो मैंने पढ़ रही हूँ दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये नॉर्मल एक सिंपल सेंटेंस है, तो मैंने यहाँ पे एस लगाया। व्हेन इज दिवाली सेलिब्रेटेड, आपको पूछा, देखो पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगाएगा वही हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्यों लगाया। डू नॉट ब्रास्ट क्रैक्स ऑन दिवाली, आपको मना कर रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, कमांडिंग सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पे सी लगाया। व्हेन इज योर बर्थडे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा। माय बर्थडे इज ऑन 8th February, तो ये नॉर्मली सिंपल सेंटेंस है, तो मैंने यहाँ पे एस लगाया। प्लीज़ अटेंड माय बर्थडे पार्टी, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो नहीं, प्लीज़ अटेंड माई बर्थडे पार्टी, आपको ऑर्डर दे रहा है आप मेरे बर्थडे में आओगे, तो आपको कमेंट दे रहा है, तो ये हो गया आपका कमांडिंग सेंटेंस। इज योर फादर नॉट आ होम, तो देखो क्वेश्चन मार्क है, तो इज योर फादर नॉट एट होम, मतलब आपके पापा घर पे नहीं है क्या, तो आपको जब पूछ रहा है, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी नेक्स्ट लास्ट क्या है, ये नेक्स्ट है व्हेन विल ही कम होम, ये भी देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी आपका क्वेश्चन मार्क
लिखोगे या सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट है टेल हिम टू कॉल मी प्लीज़, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दे रहा है, उस टेल हिम उसको बोलो टू कॉल मी, मेरे को फ़ोन करने के लिए, तो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो यह है क्या कमांडिंग सेंटेंस। पापा आई एम गोइंग टू द मार्केट, आप पापा से बोल रहे हो, एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये सिंपल हो गया। वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट, आप कब मार्केट में जाओगे, आपसे पूछ रहा है, तो हो गया क्वेश्चन। गो केयरफुली, आपको कमेंट दे रहा है, गो केयरफुली है तो आपको कमांडिंग दे रहा है, तो ये आपका कमांडिंग सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। तो आपका ये होमवर्क रहेगा इतना तक इसी बुक के अंदर, सबसे पहले आप चैप्टर को रीड आउट करोगे, उसके मीनिंग समझोगे, और यहाँ पे जैसा मैम ने लिखा आप इसी बुक के अंदर करोगे, ये सारे यहाँ पे भी ये वाला बुक्स के अंदर करोगे। ओके, थैंक यू।